पृथ्वी और उसके निर्माण के विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं हमारे सामने हैं। हम जब अंतरिक्ष में देखते हैं तो इसकी व्यापकता और इसके रहस्यों के बारे में हमें जानने की उत्सुकता होती है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड में जो तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह और उपग्रह हैं, उन सब का निर्माण कैसे हुआ, जिस पृथ्वी पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में निरंतर बनी हुई है। इसके निर्माण और इसकी उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार की धार्मिक मान्यताएं भी हमें सुनने को मिलती है, जिनमें यह कहा गया है कि पृथ्वी का निर्माण जो है प्रजापति ब्रह्मा ने किया है। साथ ही हमारे वेदों में विश्वकर्मा का उल्लेख भी आता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि के निर्माण का दायित्व दिया था। साथ ही कई कई ये चर्चा भी वेदों में आती है कि स्वर्ण गर्भ हिरण्य गर्भ से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वेदों में कहा गया है कि पहले अंतरिक्ष में आद्य पदार्थ विद्यमान था और उसके इकट्ठा होने से ही हमारे पृथ्वी ग्रह उपग्रह तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। लेकिन आज के समय में इन धार्मिक मान्यताओं के विपरीत कई वैज्ञानिक मान्यताएं भी उभर के आई हैं, जो अध्ययन अध्यापन में निरंतर हमें देखने को मिल रही है। हमारे सामने दो प्रकार की अवधारणाएं प्रमुख रूप से है, जिनमें अद्वैतवादी विचारधारा और द्वैतवादी विचारधारा। अद्वैतवादी विचारधारा में विद्वानों ने एक ही तारे से सौर परिवार के निर्माण की कल्पना की है और द्वैतवादी विचारधारा में दो तारों के संयोग से पृथ्वी और उसके सौर परिवार के निर्माण की बात आई है। कुछ नवीन मत भी आए हैं जिनके द्वारा भी जो है हम पृथ्वी और उसके जो सौर परिवार है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक नवीन मत बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में अपने मत के द्वारा, इसमें महाविस्फोट का जो सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग थ्योरी का जो विचार है 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियन वैज्ञानिक थे, रोमन कैथोलिक पादरी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, उन्होंने सबसे पहले रखा। इनका जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। इसी सिद्धांत को बल देने के लिए एडविन हबल के विचार को भी इन्होंने अपने सिद्धांत में सहयोग के रूप में लिया। एडविन हबल ने 1929 में बताया कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से डूब जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जॉर्ज लेमेत्रे ने परिकल्पना की कि आज से 14 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक स्थान पर सिमटा हुआ था, एक इकाई के रूप में था, जिसे एक परमाणु इकाई का नाम दिया गया और उसे आद्य पदार्थ का स्वरूप माना गया। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस परमाणु इकाई में एक महाविस्फोट हुआ और उस विस्फोट के साथ में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके कारण से आज भी ब्रह्मांड का जो है विस्तार होता जा रहा है। महाविस्फोट से पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने कल्पना की कि न तो समय था, न पदार्थ था, न स्पेस था, कुछ भी नहीं था। इस महाविस्फोट के कारण ही इन सब का जन्म हुआ। जब महाविस्फोट 10 से 24 सेकंड के बीच हुआ और इस महाविस्फोट के कारण से के 3 लाख साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम कणों का निर्माण हुआ।
हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण के साथ साथ में 380 वर्ष पूर्व उस 380 साल बाद विस्फोट के प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन अस्तित्व में आए और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संघनित होने से चूँकि ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है फैलता जा रहा है तो जो ऊर्जा असीम ऊर्जा थी वो ऊर्जा धीरे 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 फैलाव के साथ कम होती गई और जो कण बिखरे थे अंतरिक्ष में वो धीरे 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 एक दूसरे के पास में सिमटने लगे और छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। उन पिंडों में गुरुत्व बल का उदय हुआ और उस गुरुत्व बल के कारण से तारों का निर्माण हुआ और तारों के साथ में तारों की जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो तारे थे वो सब तारे आकाश गंगाओं के रूप में एक समूह के रूप में एकत्रित हुए। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं, उन आकाश गंगाओं में अनेक तारे हैं, करोड़ों तारे हैं और उन तारों के साथ में ग्रहों और उपग्रहों का जन्म भी ये जो आद्य पदार्थ अंतरिक्ष में फैला उसके संघनन के स्वरूप हुआ। इसी तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण भी चूँकि सौर परिवार का एक सदस्य है तो इससे ये साबित होता है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण भी जो है महाविस्फोट के कारण से हुआ और आज भी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सूर्य और सौर परिवार के जो अन्य ग्रह हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इससे इस परिकल्पना को बल मिलता है।